ऐसे अनेक लोगों को, ऐसे अनेक समाज सेवी लोग, ऐसे अनेक जिनके पास कुछ नहीं है परंतु अंदर से दिल है, तो उन्होंने दूसरों से पैसा इकट्ठा करके, सामग्री इकट्ठा करके भी इस कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया। उनको भी बहुत से लोगों ने सम्मानित करके जब राजभवन में लाया तो मुझे बहुत आनंद आया। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत चीजें हो, आपके पास दिल होना चाहिए। और इस बात के मुझे देख करके, महाराष्ट्र में जैसा है ऐसा देश के अन्य भागों में भी हुआ होगा, परंतु यहाँ इतने मनोयोग से लोगों ने काम किया, मुझे लगता है कि हमारे अजय जी ने, कौन साहब ने अपने मंच का नाम एकता मंच रखा है। हम लोग वैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, स्वाभाविक है, घर में भी लड़ाई होती है, भाई में भी होती है, सुना मैंने पति पत्नी भी होती है, लेकिन ये जो कोरोना का कालखंड था, उस कोरोना के कालखंड में सब लोग ये भूल गए कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस विचारधारा का है, कौन किस प्रोफेशन को कर रहा है, कोई छोटा है या बड़ा है। जो भी अधिकतम जिससे हो चुका, वो चाहे पुलिस का सिपाही होगा, चाहे अधिकारी होगा, चाहे अधिकतम सामान्य नर्स या वार्ड बॉय होंगे, हरेक ने कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी बहुत ढंग से की। और ये सचमुच ये भारत की यही बड़ी महानता है कि यहाँ जब कभी संकट आता है, लोग पश्चिम के लोग कहते हैं ये भारतीय लोग कैसे हैं, वैसे तो लड़ते ही रहते हैं, जब संकट आता है तो सब एक हो जाते हैं। यही तो भारत है, यही तो उसकी विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण से जब कभी प्रधानमंत्री जी ने कोई आह्वान किया, तो सारे लोगों ने एक मिलजुल करके कोरोना के विरुद्ध का टीका लगाना है। थोड़े दिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये वैक्सीनेशन तो ये है, वह प्रजातंत्र के प्रजातंत्र बोलते हैं, लेकिन बाद में बोलने वाले भी एक नहीं दो नहीं बूस्टर भी लगा बैठे सर, क्योंकि एक आह्वान पर इस प्रकार के ये जो सारा देश के अंदर देखने को मिला, उस सब में आप सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और मैं विशेष करके आप सब से निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रभावित लोग हैं, मैं कभी शंकराचार्य जी को पढ़ता था कि जब जो है शरीर खत्म हो जाता है तो सबका लंबा श्लोक है उसको निगल होगा, वो कहते हैं कि उसके बाद भाग्या विपत तस्मिन काये, जब प्राण चले जाते हैं तो पत्नी भी उस शरीर से घृणा करने लगती, जल्दी जल्दी ले जाए इसको नीचे, क्योंकि जाते देर लगेंगे सड़ा डाल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, फिर किसी को डर लगता भूत लग जाएगा। तो भारिया भी करती है, पति हो या पत्नी हो या बच्चा हो कोई भी हो, मर गया सांस चली गई तो ले जाओ। लेकिन यहाँ मैंने देखा, मैंने अनेक लोगों के अस्पताल में फोन किए, अनेकों प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बहुत लोग मेरे पास आते थे, बात कराते थे, साहब आप जरा बात कर दीजिए डॉक्टर साहब से। तो मैंने देखा कि वहाँ माँ जाने को तैयार नहीं, बच्चा कोविड से भी भर्ती है, पिता जाने को तैयार नहीं, पत्नी जाने को तैयार नहीं है। आप कल्पना कीजिए ऐसे समय में मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स, मेरे कर्मचारी रात दिन काम करते रहे, तो क्या भगवान से कम है क्या? और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जो शहीद हो गए, जो अपना शरीर खो बैठे, जो अपना जीवन गवा बैठे, ऐसे लोगों के बच्चों को हम में से अनेक लोगों ने पालने की कोशिश की, उनको सहयोग करने की कोशिश की है। मैं उनको भी कोरोना वीर ही मानता हूँ, और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज में कहीं भी इस प्रकार के बच्चे हो, इस प्रकार के परिवार हो जिनको सहयोग की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हम सबको सहयोग करना चाहिए। यदि मुझे भी किसी को कहने की जरूरत पड़े, आप मुझे बताइए कि आप इनके लिए कहीं से सहयोग करिए, मैं भी उसमें अपना कोशिश करूंगा। कि क्योंकि आजकल बहुत से ऐसा फंड है, दूसरा है, लोगों के पास चीजें हैं, तो आपको करने की जरूरत है, हम कहाँ से कर सकते हैं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को, जिनको आवश्यकता है,
जो वास्तव में नीडी है, ऐसे लोगों को हम सहयोग कर सकें, पुण्य कमा सकें। मुझे आप सब लोगों को इस अवसर पर और आप सबके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो आप हम सबको ये शक्ति दें कि भविष्य में इस प्रकार के कोरोना जैसे कोविड जैसा पेंडेमिक ना आए, आए भी तो हम मिलजुल करके एकता मंच के साथ, एकता के साथ इसका मुकाबला कर सकें, जैसे सारा इस देश में काम कर सकें। मैं आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दो वर्षों से हमने सब देखा कि काफ़ी सामाजिक संस्थाएं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने बिना स्वार्थ के काम किया। तो एकता मंच के द्वारा हमने एक छोटी सी कोशिश की कि किस तरह से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने बिना स्वार्थ लोगों के लिए सेवा दी है, उनको हम लोग प्रोत्साहन करने के तौर पर किस तरह से उन्हें एक मुंबई कर की तरफ से एक उनका आभार प्रदर्शन करें, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके साथ साथ ऐसे बच्चों को भी हमने मोटिवेट किया जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स गंवाने के बाद जो दुख उन पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा था, उसको दुख के साथ भी उन्होंने 75% के ऊपर मार्क्स प्राप्त किए, चाहे वो SSC एग्ज़ाम्स हो, HSC हो या ग्रेजुएशन हो। तो ऐसे बच्चों को भी हमने हौसला अफजाई करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। देखिए, आज जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर सिटीजन्स जो है वो आज की जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है कि किस तरह से लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? अवसर पे एकता मंच को बधाई देना चाहता हूँ और आगे भी वो BMC को इस तरह के सहकार्य करे और हमारे साथ में मिलके काम करे, ये कामना करता हूँ। थैंक यू। सर निधि, सर इसके अलावा भगत सिंह को जब आपने बताया इनिशिएटिव के बारे में, उनका क्या रिएक्शन था, थोड़ा सा अगर उनके बारे में अगर आप कुछ। मुझे लगता है कि इस एक्सीलेंसी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज उन्होंने इतनी दूर आके बच्चों का हौसला अफजाई की, उन्होंने सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो मुझे लगता है शब्दों से हम क्या कह पाएंगे। उनके एक्शन ने बताया कि इतनी महान हस्ती, लेकिन वो कितने डाउन टू अर्थ है कि हर सामान्य आदमी को भी वो मान सम्मान के साथ बात करते हैं। तो ऐसे गवर्नर के बारे में शब्द भी कम पड़ेंगे। समाज में जितना भी हम सबका योगदान होता है, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं, लेकिन हर एक ने अपना अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो कहीं वक्त आता है कि जब हमें भी समाज को लौटाना चाहिए, जिस तरीके से क्यों ना हो, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं हो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। समाज में जितना भी हम सबका योगदान होता है, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं, लेकिन हर एक ने अपना अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो कहीं वक्त आता है कि जब हमें भी समाज को लौटाना चाहिए, जिस तरीके से क्यों ना हो, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं हो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।